तो हाँ गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टोर्नेडो ग्लोबल वर्सेस स्पिनर ग्लोबल। आप लोगों को क्या लगता है, कौन जीतने वाला है इन दोनों स्टाइल में से, टोर्नेडो या फिर स्पिनर? और हाँ, आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों स्टाइल का कुछ सीक्रेट टिप्स वगैरह भी देने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने बताया नहीं है। इसके बारे में जाने से पहले तो हम लोगों को समझना होगा स्पिनर और टोर्नेडो ग्लोबल कैसे काम करता है, यानी कि हाउ डज इट वर्क्स। तो आई थिंक स्पिनर के बारे में बताना तो जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी टिप्स एंड ट्रिक्स डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, बट फिर भी कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा। तो आप लोग ये देख लो कि स्पिनर ग्लोबल कैसे काम करता है। चलो दोस्तों, तो आप लोगों को अब इस क्लिप को ध्यान से देखना होगा, मैं स्पिनर ग्लोबल आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। राइट फायर बटन पे देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे नंबर वन पे। ड्रैग करने के ठीक बाद गोली जा चुका है और उसके बाद मैंने लेफ्ट के टॉप में देखो यहाँ पे ग्लोबल को टच किया, एंड उसके ठीक बाद क्राउच बटन नीचे के साइड आप लोग देख सकते हो, क्राउच बटन को स्लाइड किया एंड राइट फायर बटन को रोटेट करते हुए लेफ्ट फायर बटन भी लगाया। ठीक उसके बाद आप लोगों को रन करना होता है ग्लोबल लगने के बाद। ठीक है, अब ग्लोबल लग चुका है, आप लोग रन करते हो एंड उसके रन करने के ठीक मिली सेकेंड बाद आप लोगों को स्विच करके जंप कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग देखो अब कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्पिनर ग्लोबल। आप लोगों को इस प्रोसेस को रिपीट कर लेना है जब तक एक परफेक्ट स्पिनर ना बन जाए। तो चलो अब बात करते हैं टोर्नेडो ग्लोबल के बारे में। तो टोर्नेडो ग्लोबल उतना हार्ड होने नहीं वाला है जैसे आप लोग देख रहे हो, ये थोड़ा इजी है। आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक बंदे को मारा और रन करके ग्लोबल बटन को टच करके जंप करते करते एकदम राउंड घुमाते घुमाते लगा रहा हूँ ग्लोबल। तो कुछ इस तरीके का होता है, राउंड घुमाते घुमाते आप लोगों को ग्लोबल लगाना है और उसके लगाने के कुछ राउंड्स करने के बाद एनिमी सामने, अगर आप लोग ऐसा लगता है तो आप लोग को जंप करते ही आप लोग को फायर करना है, जंप करते ही फायर करना है। तो कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग ये वाला फुल वीडियो देखो। देखो एक बंदे को मारा एंड ये थोड़ा बहुत ये भी प्रेडिक्शन शॉट मारना होता है। ठीक है, तो टोर्नेडो में खासकर आप लोगों को सेफ्टी तो मिलता है, बट इसमें क्या है कि एनिमी का व्यू देखना थोड़ा मतलब आसान होने नहीं वाला है जैसे स्पिनर में होता है। चलो तो अब दोनों स्टाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स में दे चुका हूँ आप लोगों को। तो अब बात करते हैं स्पिनर वर्सेस टोर्नेडो ग्लोबल, इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, हु विल बिकम द विनर। तो आप लोगों को कौन सा वाला स्टाइल सीखना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से। तो इसके बारे में बताने से पहले कल मैडमैक्स को मैंने बुलाया था जो कि टोर्नेडो स्पेशलिस्ट है इंडियन सर्वर का, आप लोगों को पता ही है, और उनके साथ मैंने वर्सेस किया। वो भी वो सिर्फ टोर्नेडो ग्लोबल यूज़ कर रहा था एंड मैं सिर्फ स्पिनर। तो आप लोग ये वाला वर्सेस देख लो, थोड़ा बहुत क्लिप्स है एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो गाइज लेट्स रिपीट वंस। ओके, मुझे देखने में बहुत मजा आ रहा है स्पिनर ग्लोबल, यहाँ पे मैं मारते जा रहा हूँ प्रेडिक्शन शॉट में, और दूसरे तरफ है मैडमैक्स जो कि टोर्नेडो ग्लोबल लगा रहा है और मेरा प्रेडिक्शन शॉट पड़ गया। तो चलो दूसरे तरफ मैडमैक्स भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे टोर्नेडो ग्लोबल मारते जा रहा है, मैडमैक्स भाई भी प्रेडिक्शन शॉट मार के। ठीक है, और ये देखो मैडमैक्स भाई थोड़ा मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मारता है, जैसे मैं मारता हूँ वैसे नहीं, और फाइनली यहाँ पे मेरा शॉट पड़ गया। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि प्रेडिक्शन शॉट मारने में स्पिनर ग्लोबल बेटर होता है एज कम्पेयर टू टोर्नेडो ग्लोबल। तो चलो अब देखते हैं दूसरा वाला क्लिप। चलो एक और बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे देखो मैं स्पिनर ग्लोबल मारता जा रहा हूँ प्रेडिक्शन फायर मार के, बट यहाँ पे मैडमैक्स भाई चांस ही नहीं दे रहा है टोर्नेडो ग्लोबल लगा के। ठीक है, और जब मैं निकला वो उसने फटाक से मार दिया मुझे। तो चलो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये देखो यहाँ पे टोर्नेडो मारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि थोड़ा लेफ्ट के तरफ, मैं तो राइट के तरफ लगाता हूँ। तो ये देखो चांस ही नहीं दे रहा, इतने कवर में रह रहे हैं ना। टोर्नेडो ग्लोबल का फ़ायदा यही है, और यहाँ पे देखो मैं जैसे ही निकलता हूँ मैडमैक्स भाई फटाक से मार देते। अब ये कैसा हुआ कि सबसे पहले तो मैडमैक्स भाई अपने टोर्नेडो ग्लोबल को राउंड वाइज लगाते कवर में रहा, और मैं जैसे ही निकलने वाला होता हूँ वहीं पर निकल के मैडमैक्स भाई मुझे मार देता है। तो चलो अब थोड़ा सा हाई I'm
तो देखो इन सारे क्लिप्स देखे आप लोगों को समझ आया होगा कि टोर्नेडो ग्लोबल के पास मेन चीज़ है सेफ्टी। ठीक है, आप लोगों को सेफ्टी मिलने वाला है टोर्नेडो ग्लोबल, बट अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यानी कि एनिमी के माइंड से खेलोगे तो आप लोग जीत सकते हो। जैसे मैड मैक्स भाई ने वहाँ पे मेरे साथ किया था, लाइक मैं एक ही डायरेक्शन पे स्पिन ग्लोबल मारता जा रहा था और मैड मैक्स वहीं के साइड निकल के मेरे को कन्फ्यूज करके मार रहा था। तो वैसे ही मैंने भी मैड मैक्स भाई को मतलब प्रेडिक्ट फायर मारते मारते स्पिनर ग्लोबल लगाते गया और मारा। तो वही चीज़ है, स्पिनर ग्लोबल में ज़्यादा सा प्रेडिक्शन शॉट पड़ता है यानी कि चांस मिलता है प्रेडिक्ट फायर मारने का, और टोर्नेडो ग्लोबल में ज़्यादा सेफ्टी मिलता है आप लोगों को। तो अगर वर्सेस का बात किया जाए तो मैं तो बताना चाहूँगा 50-50, क्योंकि दोनों ही स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है ना गाइज, एक तो मूवमेंट भी दिखता है और दूसरा तो शॉर्ट्स वगैरह भी पड़ता है और सभी चीज़ में परफेक्ट है। आप लोग को मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों स्टाइल आप लोग सीख लो, क्योंकि अगर आप लोग दोनों स्टाइल सीख गए ना तो आप लोग मेरे जैसे 1v4 में आप लोग क्लच कर पाओगे। लाइक मैं कैसा करता हूँ आप लोगों को पता होगा, मैं टोर्नेडो और स्पिन दोनों ही मिक्स करके खेलता हूँ। तो आप लोग भी मेरे जैसा गेम प्ले बना सकते हो इन दोनों स्टाइल सीख कर। तो हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सभी के सभी फ्री स्टाइल टेक्निक जो है उन लोगों का मिस्टेक्स वगैरह आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल दोस्तों।